तो गाइस आज के इस वीडियो में हम जिस वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है toloka.ai। तो गूगल में आप सर्च कर लेंगे, आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट पे अगर जो आप काम करते हैं तो आप डेली $10-5 की अर्निंग कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारे छोटे छोटे टास्क मिल जाते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है गेट पेड टू ट्रॉट टास्क ऑनलाइन। अगर जो आपके पास मोबाइल फोन है तो आप इनका एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे इनके ब्राउजर को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे अपना काम करने के लिए। बहुत ही बेस्ट वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने काम करके बहुत सारे विड्रॉल भी लिए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको टास्क किस तरह के मिलेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह के टास्क मिलेंगे, जैसे कि आपको कुछ फोटोज मिल जाएंगे, उन फोटो को रूल के द्वारा आपको समझा दिया जाएगा कि भाई इसी रूल पे आपको इसको कैटेगराइजेशन करना है, तो आप अलग अलग कैटेगरी के लिए उन फोटो को छाटेंगे। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे तरह के छोटे छोटे टास्क आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कहीं का फोटो बोल दिया खींच करके आपको अपलोड करना पड़ेगा, आप अपने फेस का 30 सेकंड का वीडियो बना करके दे दीजिए, उससे भी आपको यहाँ पे अर्निंग होगी। तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे आपको अर्निंग हो जाती है। देन यहाँ पे देख सकते हैं कुछ टास्क आपको बताए भी गए हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं कैटेगराइजेशन और फोटो खींचने से रिलेटेड जो भी है, टेक फोटोज यानी कि फोटो खींच करके आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन यानी कि आप किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन सर्च करके भी अर्निंग कर सकते हैं। देन यहाँ पे देख सकते हैं एक आउटलाइन ऑब्जेक्ट यानी कि आपको इस तरह का आउटलाइन बनाना है और उसी के बदले भी आपको यहाँ पे अर्निंग हो सकती है। बहुत ही बेस्ट वेबसाइट है, ये वेबसाइट वन ऑफ द बेस्ट है मेरे हिसाब से, अगर जो आप छोटे छोटे टास्क पूरा करके अर्निंग करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे स्टार्ट अर्निंग का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लॉग इन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक कर देना है टोलोकर के, यहाँ पे आपको रिक्वेस्टर पे नहीं क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे टोलोकर पे ही क्लिक करके अकाउंट बनाना है। एंड यहाँ पे जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो आपका पेज होगा कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू भी अपना अकाउंट बना सकते हैं, अगर जो इंडेक्स आईडी है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, मतलब आप किसी भी तरह का आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना तो बहुत ही इजी तरीके से अकाउंट बना सकते हैं। देन यहाँ पे दोस्तों आपको कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू विद गूगल क्लिक करेंगे आपका जो अकाउंट होगा वो बन के तैयार हो जाएगा, बस आपको अपना जीमेल आईडी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपका जीमेल आईडी इस तरह ओपन होगा, इसको आपको जस्ट सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा। आप जिस भी कंट्री के हैं आप अपने कंट्री का जो कोड होता है वो सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे आपको नंबर डाल करके सेंड कोड का जो ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर देना है जो कोड लिखा है इस वाले ऑप्शन पे, एंड सबमिट का जो ऑप्शन इस पे क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना, फिर लास्ट नेम डाल देना, तो जो भी आपका डिटेल है अच्छे से फिल कीजिएगा। यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को हमेशा आपको याद करके रखना है, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत पड़ने वाली है। यहाँ पे आप अपना जो भी डिटेल डालिएगा अच्छे से डाल दीजिएगा, क्योंकि आपको विड्रॉ भी लेना है और यहाँ पे मिनिमम जो विड्रॉ है दोस्तों वो भी बहुत ही कम है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कितना है। आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, और सबसे पहले आप अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ का ईयर है वो सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे डे सेलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना ईयर भी सेलेक्ट कर लेना, देन उसके बाद यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मेरा इंडिया है तो मैं यहाँ पे इंडिया डालूंगा। एंड इसको आपको टिक कर देना है, यहाँ पे इनका टर्म एंड कंडीशन वाला ऑप्शन भी टिक कर देना है, देन कंटिन्यू का जो ऑप्शन इस पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद दोस्तों ये पूछ रहा है व्हाट लैंग्वेज यू कैन परफॉर्म टास्क इन, तो आप यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे जिस जिस लैंग्वेज में आप यहाँ पे टास्क कर सकते हैं, यानी कि जो जो लैंग्वेज आपको आता है वो लैंग्वेज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहला लैंग्वेज तो इंग्लिश ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा, देन उसके बाद मैं यहाँ पे हिंदी भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको पंजाबी, मराठी, गुजराती या फिर कोई फॉरेन लैंग्वेज आता है तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम पंजाबी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे शायद पंजाबी नहीं है दोस्तों, तमिल हम देखते हैं क्या है या नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं तमिल है लेकिन पंजाबी शायद नहीं है। तो आपको जो भी लैंग्वेज आता है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे स्टार्ट अर्निंग का जो ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट अर्निंग पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपका अकाउंट जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे टास्क मिलेंगे, टास्क को पूरा करेंगे आपको यहाँ पे अर्निंग होने वाली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आकर के अकाउंट बना सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे टास्क आपके सामने अवेलेबल हैं। अब इनमें से कुछ टास्क ऐसे हैं जिनमें जाकर के आपको सबसे पहले टेस्ट देना पड़ेगा, फिर टास्क करना पड़ेगा। कुछ टास्क ऐसे हैं जिनमें आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, फिर आपको टास्क करना है। लेकिन कुछ टास्क ऐसे भी हैं जिसको आप डायरेक्ट आकर के पूरा कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई भी टास्क या फिर ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर जो ये वाला टास्क अगर जो आप पूरा करते हैं
डेट माइनर के नाम से कोई टास्क है, इसके बारे में क्या है सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देने के बाद ही टास्क आपको यहाँ पे पूरा करने को मिलेगा। लेकिन ये जो टास्क है जिनके आगे स्टार्ट लिखा है, इनको आप जाकर के तुरंत टास्क पूरा करेंगे, आपको अर्निंग होना शुरू हो जाएगा। पहले ये पेंडिंग में जाएगा, अगर जो आपने टास्क सही से कंप्लीट किया होगा तो आपको अर्निंग हो जाएगी। देन यहाँ पे दोस्तों आपको एक और टास्क दिखाई दे रहा है, इसमें आपको पहले टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद आपको टास्क मिलती है। अगर जो टेस्ट में पास हो जाते हैं तो छोटे छोटे ही टास्क होते हैं, इसका रिव्यू भी आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे जो टेस्ट होगा दोस्तों वो सिर्फ लैंग्वेज टेस्ट होगा और कुछ भी नहीं। अब जैसे कि मैं कोई भी एक टास्क दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं $1.1 का टास्क है। एंड यहाँ पे आपको काम क्या करना है, रिकॉर्ड ए वीडियो विथ योर फेस यूजिंग योर वेब, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्ड करना है आपको अपने फेस में, और उसी के बदले आपको यहाँ पे अर्निंग होने वाली है। तो यहाँ पे हम स्किप कर देते हैं, इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट टास्क का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, इसको हम क्लोज करते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि इस तरह का आपको पॉपअप आ सकता है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं 2 घंटे के अंदर आप इस टास्क को पूरा करेंगे, $1.1 आपको मिलने वाला है। एंड यहाँ पे इंट्रेक्शन भी दिया गया आपको टास्क में करना क्या है, स्टेप 0 जो है उसमें क्या करना है, फॉर दिस टास्क यू नीड, यानी कि आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी टास्क में। जैसे कि आपको यहाँ पे वेब कैमरा, यानी कि आपका जो भी ये कैमरा है वो आप नॉर्मल कैमरा यूज नहीं करेंगे, अपने वेब का कैमरा यूज करेंगे, और HD और हायर क्वालिटी का कैमरा होना चाहिए। जैसे कि ये देख सकते हैं हमारा जो ये टास्क है वो लैपटॉप कैमरे से रिलेटेड है, यानी कि जो मैंने अकाउंट बनाया है वो लैपटॉप में बनाया, तो यहाँ पे लैपटॉप से रिलेटेड टास्क मुझे मिल रहे हैं। और यही जो अकाउंट है, अगर जो वो चीज मैं मोबाइल फोन से बनाता या फिर इसके एप्लीकेशन यूज करके बनाता तो मोबाइल फोन से रिलेटेड टास्क मुझे मिलने वाले थे। एंड यहाँ पे OBS प्रोग्राम जो है वो आपके लैपटॉप के अंदर होना चाहिए, वो इंस्टॉल होना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर जो लिंक पे क्लिक करके आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको वीडियो दिखाया भी जाएगा कि आपको किस तरह से बनाना है, क्या करना, सब कुछ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया भी जाएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। देन यहाँ पे दोस्तों और भी इंट्रेक्शन है, पेज 2 पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टेप 2 में क्या दिखाया गया वो देख सकते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पे क्लिक कर देना है, फिर वीडियो कैप्चर डिवाइस पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप इंट्रेक्शन दिया जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। 4 पेज के अंदर आपको यहाँ पे बताया गया है कि इसी हिसाब से आपको यहाँ पे अपना जो वीडियो है वो कैप्चर करना है। एंड कैप्चर करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, आपको यहाँ पे अर्निंग हो जाएगी। फिलहाल हम इससे बैक आ जाते हैं, और भी बहुत सारे टास्क हैं उनको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कोई एक और टास्क है, इस पे आप क्लिक करेंगे, स्टार्ट का जो ऑप्शन इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने इंट्रेक्शन ओपन होगा। यहाँ पे आपको क्या क्या करना है वो देख सकते हैं, सम वीडियो विल बी प्ले विद साउंड, यहाँ पे इस साउंड को आपको प्ले करना। एंड यहाँ पे क्या लिखा, प्लीज टर्न ऑफ द साउंड योर हैंडफोन स्पीकर, यानी कि आपको अपने हैंडफोन और स्पीकर को लगा करके अपने साउंड को सुनना है। जस्ट कंफर्टेबल लेवल यू हैव टर्न इनटिल इन द एंड एक्सपेरिमेंट टू चेक प्लीज इंटर द नंबर ऑफ हेयर द ऑडियो कैप्चा, ये एक ऑडियो कैप्चा है, उसी कैप्चा को आपको यहां पे फिल करना पड़ेगा। 3 सेकंड का ऑडियो है, आप खुद सोचिए कि 3 सेकंड का ऑडियो है, इसको सुनना है और इसमें क्या इस बंदे ने बोला है उसी को आपको जस्ट यहाँ पे फिल करना है। देन नेक्स्ट का जो ऑप्शन इस पे क्लिक कर देना है, आपका जो टास्क है वो पूरा हो जाएगा, आपको $0.05 की अर्निंग हो जाएगी। सिंपल सा टास्क है, आप खुद सोचिए कि केवल 3 सेकंड का ऑडियो सुन करके यहाँ पे आपको डाल देना है वो नंबर एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, आपका टास्क पूरा जाएगा। फिलहाल मैंने माइक का यूज किया तो यहाँ पे ये ऑडियो मुझे सुनाई नहीं देगा, अदरवाइज आप यहाँ पे सुन करके इसको फिल कर देंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे समझ लीजिए मैंने ऑडियो सुन लिया है और यहाँ पे इसने 1, 2, 3, 4 बोला, तो मैंने यहाँ पे डाल के फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा कि ऑडियो आप यहाँ पे अगेन सुनिए, यहाँ पे आपको फिर से ऑडियो को सुनना पड़ेगा एंड जो भी ये बोलेगा उसको डाल करके आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जब तक आपका रॉन्ग रहेगा ये आपका एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आप यहाँ पे राइट लिखेंगे तभी ये आपका एक्सेप्ट करने वाला है। देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका जो टास्क है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, तो आपको इसी तरह टास्क को पूरा करना है। अब अगर जो आप यहाँ पे स्टार्ट एक टेस्ट वाला टास्क पूरा करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टेस्ट पूरा करना पड़ता है, टेस्ट पूरा करेंगे तभी आपको अर्निंग होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक कैप्चा आएगा, इस कैप्चा को आपको फिल कर देना पड़ेगा, फिल करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक टेस्ट आएगा, टेस्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये फिर से कैप्चा आ गया, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। कंप्लीट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट आपके सामने ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है ये आपके समझ में अगर जो नहीं आ रहा दोस्तों, तो यहाँ पे इंट्रेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है रीड द डिफिनेशन ऑफ द वर्ड, यानी कि आपका जो भी डिफिनेशन लिखा है उसको आपको रीड करना है, सबसे बेस्ट कौन सा राइट है वो आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि जिसमें सबसे अच्छे से ये चीज समझ में आ रहा हो। तो आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 में से आपको कुछ भी सेलेक्ट कर लेना है।
करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे 3 कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे मतलब कितने ऑप्शन करेक्ट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपको सबमिट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी हम 4 सेलेक्ट कर लेते हैं, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा जो टास्क है वो सबमिट हो जाएगा। तो इसी तरह आपको यहाँ पे टास्क पूरा करना है। अभी देख सकते हैं हमारा सेकंड नंबर का टास्क ओपन हो गया, इसको भी हमको सेम चीजें इसी तरह करना है और यहाँ पे ये सब करके सबमिट कर देना है। तो सारी चीजें आपको समझ में आ गया कि हमको टास्क पूरा कैसे करना है। टास्क पूरा कैसे करना है ये तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पे आपका जो भी बैलेंस होगा वो दिखाई देगा। जब आप कोई भी टास्क पूरा करते हैं तो सबसे पहले आपका जो बैलेंस होगा वो अंडर रिव्यू में जाएगा। अंडर रिव्यू के बाद दोस्तों आपका ये क्लियर हो जाएगा और यहाँ पे आपका अवेलेबल बैलेंस में दिखाई देने वाला है, ठीक है। एक्टिव में जाएंगे तो यहाँ पे जो भी एक्टिव यानी कि जो भी टास्क आप पूरा नहीं कर पाएंगे यहाँ पे छोड़ देंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अवार्ड के ऑप्शन में जाएंगे तो जो भी अवार्ड आपको मिलेगा वो यहाँ पे दिखाई देने वाला है। प्रोफाइल के ऑप्शन में जाएंगे तो आप यहां से अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। आपका मनी जो है, हिस्ट्री, रेफरल प्रोग्राम है इनका, तो वो सब कुछ आप यहां पे दे सकते हैं। जैसे मनी वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आप यहां पे अपने पेमेंट मेथड को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप पेनीर और पेपरा दो अकाउंट में विड्रॉ ले सकते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी अकाउंट यहां पे लिंक करेंगे और उसमें आप विड्रॉ ले सकते हैं। अब यहां से विड्रॉ लेने के लिए दोस्तों आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। आप आएंगे, जब अकाउंट लॉग इन करेंगे आपका यहां पे कुछ बैलेंस दिखाई देगा, इसमें जब क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन यहीं पे ओपन होगा एंड यहीं से आप अपने अकाउंट में कोई भी अकाउंट लिंक करके, जैसे आप यहाँ पे पेनियर में लेना चाहते हैं, फिर पेपरा में लेना चाहते हैं, पेपरा में लेना चाहते हैं, तो कंटिन्यू विद विड्रॉल का ऑप्शन, इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, अमाउंट डालेंगे और यहाँ से विड्रॉल पे क्लिक करके विड्रॉल ले सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल जो है दोस्तों वो $0.5 है। अगर जो आप यही चीज पेनियर में लेना चाहते हैं तो पेनियर में भी ले सकते हैं। यहाँ पे लिंक माई अकाउंट का ऑप्शन, इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे भी विड्रॉल ले सकते हैं। बस यहाँ पे आपको मिनिमम जो विड्रॉल है दोस्तों वो $20 है। अगर जो आप यहाँ पे $0.5 का विड्रॉल लेना चाहते हैं तो आप पेपरा का अकाउंट बना लीजिए और पेपरा का अकाउंट बना करके आप यहां से बहुत ही इजी तरीके से विड्रॉल ले सकते हैं। तो यही पूरा प्रोसेस था दोस्तों। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को जो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।